प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुरूप शिवरात्रि से एक माह पूर्व छोटी काशी मंडी में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर के में बाबा भूतनाथ का हर रोज अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। बाबा भूतनाथ का श्रृंगार गोपेश्वर महादेव वृंदावन के रूप में किया गया। यह वह श्रृंगार है जिसको करके 5200 साल पूर्व स्वयं भोलेनाथ ने वृंदावन स्थित राधा कुंड में 16 श्रृंगार कर नृत्य किया था और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। बाबा भूतनाथ की गोपेश्वर महादेव के रूप में किए गए श्रृंगार के संदर्भ में बाबा भूतनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा का ये रूप बड़ा ही मनमोहक रूप है। उन्होंने बताया कि जो भगत सच्चे मन से बाबा के दर्शन गोपेश्वर महादेव के रूप में करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि इस रूप में महादेव स्वयं राधा कृष्ण के भक्त बनकर वृंदावन में नृत्य करते हैं। इस रूप में दर्शन करके श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दोनों रूपों का पुण्य मिलता है। भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर महादेव के रूप में दर्शन करने के लिए भक्तों का सुबह से ही भूतनाथ मंदिर के बाहर तांता लगना शुरू हो गया और भोलेनाथ के भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान के इस रूप के दर्शन किए। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश। आज का जो श्रृंगार है बाबा का बहुत प्राचीन और बहुत ऐतिहासिक है। करीब 5200 साल पुराना श्रृंगार गोपेश्वर महादेव वृंदावन का श्रृंगार किया गया है, जो भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी के इतने भगत के रूप में दर्शाए गए हैं कि उन्होंने खुद राधा कृष्ण का जो लीला किया है वहां 16 श्रृंगार करके और गोपी बन के जो है नृत्य किया है। और अपनी सारी भावनाओं को भी मैं व्यक्त करता हूं कि बाबा ने ऐसा ऐसा वहां पे वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण जी का गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो वहां पे गोपी बनके और बाबा ने राज किया है। इनके दर्शनों से तो जब भगवान स्वयं महादेव राधा कृष्ण के जब भगत हो सकते हैं तो महादेव का दर्शन करने से महादेव का तो लाभ होगा, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने से भगवान राधा कृष्ण का और शिव जी का दोनों का ही पुण्य मिलेगा और जो मनोकामना व्यक्ति बाबा से आज बोलेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।